और यहाँ पर मेरे साथ कुछ यूथ भी हैं और बच्चे भी हैं। हालांकि इलेक्शन देना उनका विषय नहीं है, लेकिन आज बच्चों से अगर बात करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए और सांसद कौन बनना चाहिए, तो बहुत अच्छे से बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इति सिंह है। आप क्या करते हो बेटा? मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फिफ्थ में पढ़ते हो। और आप? नाइन्थ। ये बताओ कि दे अभी कल 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो पीएम कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। तो बच्चे भी जानते हैं कि केंद्र में अगर पीएम बनना है तो किसको? नरेंद्र मोदी को। क्यों? हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्यों पीएम क्यों बनना चाहिए उनको? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं और देश दे और हर जगह स्वच्छ अभियान लागू कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान तो बच्चों की मन तक गया है, जब से स्कूल में भी स्टार्ट हुआ है, तो सारे बच्चे घर पे भी अगर जरा सा भी रैपर होता है तो तुरंत डस्टबिन में डालते हैं, फेंकते नहीं हैं। स्वच्छता अभियान के लिए तो पीएम मोदी वाकई में उनके लिए सैल्यूट है। और मैं चाहूँगी कि पीएम मोदी के लिए जैसे होता है वोटिंग होती है, तो ऐसा नहीं होता कि जनता डायरेक्ट पीएम मोदी को वोट करे, ऐसा वोट होना चाहिए क्योंकि नहीं चाहते हुए भी बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वोट करना पड़ता है ताकि पीएम मोदी जीत जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को सभी चाह रहे हैं कि वो इस समय आए अपने भारत में। और अभी ना चाहते हुए भी चुनना पड़ता है। हाँ, कुछ है।